ऊपर कोई शक्ति, यीशु के ऊपर कोई शक्ति नहीं, सब कुछ यीशु ने बनाया, यीशु के लोग ही सब कुछ बनाया। हालेलुया, आज हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, फैन किसने बनाया, यीशु को मानने वाले, बिजली किसने बनाया, बिजली किसने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन, यीशु को अच्छा भक्त है। एरोप्लेन कौन बनाया, राइट ब्रदर्स, प्रभु यीशु को मानने वाले, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। टेलीफोन किसने बनाया, अलेक्जेंडर ग्रहम बेल, यीशु मसीह को मानने वाले से। कैमरा किसने बनाया, प्रभु यीशु को मानने वाले। जो भी आज हम घर में यूज करते हैं, सब कुछ सुई से लेकर बड़ा एरोप्लेन तक, सब प्रभु यीशु मसीह के मानने वाला ही बना, क्योंकि प्रभु यीशु ही बुद्धि का शुरुआत है। भाई में लिखा है परमेश्वर की भई मानना ही बुद्धि का शुरुआत है। जो कोई परमेश्वर को भई मानता है उनको परमेश्वर बुद्धि देता है। हमारा भारत के लोग क्या बनाया, अच्छा मसाला खाना बनाया, बिरयानी कैसे बना सकता है, पानी पूरी कैसे बना सकता है, पाव भाजी कैसे बना सकता है, डिसेंट डिसेंट खाना भारत में ही मिलेगा। बाहर जाओ लोग वहां से पैसा खर्चा करके खाना खाने के लिए आते हैं, बाकी किसी चीज के लिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु परमेश्वर के बच्चे हमें, आज हम अनुभव करने वाले हर एक बातों को हमें बना कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान है प्रवेश जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का हर एक सृष्टि परमेश्वर को आराधना करे, इसलिए चिड़िया सुबह सुबह उठकर की 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 चिल्लाते हैं, वो उनकी भाषा में परमेश्वर को आराधना करते हैं। ये प्रभु नया दिन आ गया, प्रभु इस नया दिन में हमें खाना दे, हमें संभाल। और एक गाय बैल और जो भी जानवर है सब चिल्लाते हैं मैं, क्योंकि प्रभु नया दिन आ गया, प्रभु नया दिन आ गया, नया दिन में हमें घास खिलाओ, हमें पानी पिलाओ, संभाल प्रभु। अपनी अपनी हालेलुया तरीका से परमेश्वर की आराधना कर, लेकिन इंसान नहीं है। क्यों, इंसान कितना बीमारी, संकट, मारपीट, तलाक, चिंता, क्यों इंसान के जीवन में। इंसान परमेश्वर जिस काम के लिए इंसान को बनाया वो छोड़कर बाकी सब कुछ करता है। परमेश्वर जो करने के लिए बोला है वो करना छोड़कर, जो करने के लिए मना किया है वही करते रहता है। इसलिए परमेश्वर क्या करते, इंसान के जीवन से, इसलिए इंसान के जीवन परमेश्वर मतलब एक प्रकार के श्राप को भेज दिया है प्रवेश की महिमा से। परमेश्वर इसलिए इंसान को बनाया, इंसान परमेश्वर को आराधना करे, इंसान परमेश्वर को दंडवत करे। हालेलुया, पढ़ेंगे इसाया किताब 43 अध्याय, इसाया 43 7 और 21 वचन दोनों को साथ पढ़े, 43 में 7 और 21। हालेलुया, यहाँ लिखा है जिसको मैंने सृष्टि किया ये सब मेरी आराधना करेंगे, मेरी प्रणाम करेंगे, मेरी दंडवत करेंगे। हालेलुया, प्रवेश जो परमेश्वर चाहता है प्रयोग, अब परमेश्वर को आराधना करें, अब परमेश्वर को दंडवत करें। पढ़ेंगे हमने उत्पत्ति किताब 4:26 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4:26। शेत याला मुलगा झाला, हां त्याचे नाव त्याने अनोश असे ठेवले, हां त्या काळापासून लोक परमेश्वराच्या नावाने प्रार्थना करू लागले। यस, यहां देखिए परमेश्वर को आराधना करने के लिए शुरुआत में लोग सीख लिए। आदम का दो बेटा था, कैन और आदम, कैन और आबेल, इन दोनों बलि लेकर आकर परमेश्वर को आराधना करने लगे।
परमेश्वर आराधना करने के लिए सिखाया लोगों को इसे। वैसे प्रभु यीशु अभी भी चाहता है कि लोग परमेश्वर की आराधना करें, इसलिए तो उन्हें कलीसिया बनाए, आराधना स्थल आराधना भवन परमेश्वर ने इसलिए बनाए। इसलिए बाइबल का इकट्ठा होना छोड़ो मत, कलीसिया में इकट्ठा होना छोड़ो मत। परमेश्वर के लोगों को एक आदत होना है परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर को प्रणाम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु चाहता है। हर परिस्थिति में दुख हो खुश हो संकट हो, हर परिस्थिति में हमने परमेश्वर को क्या करने का है, आराधना करने का। लोले बोलेंगे, इसलिए जो मरा हुआ घर में हमें बुलाए पास्टर दफनाने के लिए आ जाओ, हम ऐसे नहीं आते, उधर ये गीत गाएंगे, थोड़ा वचन का प्रचार करेंगे, उधर भी प्रचार करते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए फिर दफनाएंगे। अच्छी खुशी के घर में बिरयानी बनाकर, पास्टर आज हमारा वेडिंग डे, हालेलुया, आइए खाना खाएंगे, कोई बात नहीं, उधर खुशी खुशी से ताली बजाकर अपने प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने इस परिवार को संभालता है, अच्छा पेट भर का काके आ जाते। दुख भी हो संकट भी हो कोई परिस्थिति में हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए भूलना नहीं है। हालेलुया बोलेंगे, पहली प्रथम पहली जगह परमेश्वर को हम देना है, प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देना। ठीक, आज हम कुछ पॉइंट्स को हमने देखेंगे। परमेश्वर को आराधना करने वाले, दंडवत प्रणाम करने वाले कैसे रहना है? क्या परमेश्वर सबकी आराधना को ग्रहण करता है? ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रूप में अपने अपने रूप में, कोई कोई पूजा पाठ करता है, कोई नमाज करता है, प्रेस लॉर्ड, कोई कोई क्या करते बलि चढ़ाता है, कोई कोई मुर्गा काटता है, परमेश्वर सबको ग्रहण करते क्या, सब आराधनाएं किया? प्रेस लॉर्ड, आज हम देखेंगे, प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर सबको आराधना को ग्रहण करता है क्या? नहीं, सबकी आराधना को प्रभु ग्रहण नहीं करता। इस बलि में लिखा है मूर्ख लोगों की आराधना, मूर्ख लोगों की बलि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आराधना करने वाले कैसे रहना है उसके बारे में आज हम देखेंगे। पहले हमने पढ़ेंगे भजन संहिता 29 में 2 पढ़ेंगे, भजन संहिता 29 में 2 हिंदी में भी पढ़ो। पवित्रता की शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो, आराधना करो। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? Ascribe to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in holy heaven. Worship the Lord with holiness. पवित्रता की सजावट के साथ परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर पवित्र है। सब बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर पवित्र है। पढ़ेंगे हमने पहली पत्रस पहली अध्याय 16 वचन पढ़िए। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता है, उसको ऊपर भी वचन में भी सेम लिखा है, मैं पवित्र, इसलिए तुम भी पवित्र बने। परमेश्वर की आराधना करने वाले पहले कैसे रहना है? पवित्र रहना है। इसका मतलब पापियों की आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करता है। फैसला, कुछ लोग क्या कहते हैं, दारू पी के आपके इधर बैठ जाते। एक जाना है तो एक बार हमने प्रार्थना चला रहे थे घर में, एक लड़का आया था, लड़का नहीं एक आदमी आया था, अच्छा दारू पिया, आके चिल्ला रहा, अले लिया चिल्ला रहा। क्या परमेश्वर उसकी चिल्लाने को ग्रहण करेगा? नहीं। फैसला, पवित्रता से सजाया जाना है पहले परमेश्वर के लोग।
शरीर को सजाने के लिए जानते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, आईब्रो लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, फ्रेस लॉक पेंट मारते हैं, लाल पेंट मारते हैं, काला पेंट मारते हैं, सफेद पेंट क्या क्या मारते हैं उनको ही मालूम, सिर से लेकर नाखून तक पेंट मारते हैं। हालेलुया, कोई कोई नाखून में पेंट मारते देखा, देखा वाला फ्रेस लॉक, चेहरा में पेंट मारते हैं ना, बाल में पेंट मारते हैं और आंखों की आईब्रो में पेंट मारते, लिप्स में पेंट मारते, कोई कोई गले में पेंट मारते, कोई फ्रेस लॉक हीरो लो क्या कर, पेट में भी पेंट मारता है, इधर भी पेंट मारता है, शरीर को सजाने के लिए हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की योग्य सजावट क्या है? पवित्रता। पवित्रता से परमेश्वर का आराधना करना। फास्ट ये क्या बात है पवित्रता, ये कपड़ा किधर मिलेगा? सफेद कपड़ा पहने तो हम सोचते मैं पवित्र हो गया है, कपड़ा नहीं है, हालेलुया, दिल है। पवित्रता दिल के अंदर रहता है, पवित्रता आत्मा की कपड़ा है। जब तुम्हारा दिल के अंदर पवित्रता है, तुम्हारा बाहर की कपड़ा भी पवित्र रहेगा। जब तुम्हारा दिल के अंदर पवित्रता है, तुम्हारा बोलना भी पवित्र रहेगा। तुम्हारा दिल के अंदर पवित्रता है, तुम्हारा देखना भी पवित्र रहेगा। तुम्हारे दोस्त लोग भी पवित्र रहेंगे, अब जो भी तुम खाता है वो भी पवित्र रहेगा। पवित्रता किधर शुरू होना है? तुम्हारा अंदर, दिल के अंदर, तुम्हारा आत्मा में। अगर तुम्हारा आत्मा पवित्र नहीं है, आत्मा मत पास किधर रहता है? हृदय बोलते हैं बाइबल में, उसको बोलते हैं हृदय, मन। क्या है? मन। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारा सब कुछ पवित्र है, सब कुछ पवित्र नहीं है। तो पवित्रता शुरू होता है मन की अंदर से। अगले बोलेंगे मन की अंदर से हमारा सजावट पवित्र रहना है। हमें देखने वालों को मालूम बनना है, हमारा साथ उठने वाले बैठने वाले बोलने वाले को मालूम बनना है, ये हमारा चीज से व्यक्ति नहीं है, ये एक पवित्र व्यक्ति है। इनकी बोलने से समझता है, इनको सुनने से समझता है, इनके कपड़ा से हम समझते हैं, इनके साथ उठने बैठने समझते हैं, ये एक पवित्र व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारा सजावट पवित्र होकर, इसलिए चर्च में आते समय अब कैसे भी आने का नहीं है। पढ़ो एक वचन पढ़ो, सब उपदेश, उपदेशक मराठी में उपदेशक, नीति सूत्र के बात रहेगा, प्रावक्स के बात रहेगा, इसे प्रेस ला एक्लेसाइट्स, सब उपदेश पांच बात क्या है? पहली दो वचन पढ़ो, देवाचा मंदिर में जाने से संभाल के पैर रखो, देखिए जब परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं तुमने संभाल कर जाना, परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए हमने बहुत अपने आप को संभाल कर आने का है। कैसे भी आकर बैठेंगे प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि पी प्रेस लॉर्ड कोई आके दारू पी के बैठ जाता है, हम उसको डांट नहीं सकते हैं, डांटते तो अगर शायद तो बेवड़ा भी सुन के मन फिर सकता है, ऐसे हम सोचते हैं। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? जब वो परमेश्वर के मंदिर में आने से हमारा सब कुछ पवित्र होकर रहना है, सब मतलब परमेश्वर हम पर ध्यान रखता है। जब आप मंदिर में आ जाते हैं ना, देखिए हर बात में परमेश्वर ध्यान रखता है। हेलो लोग बोलेंगे, हर बात में परमेश्वर ध्यान रखता है। इसका मतलब तुम्हारा कपड़ा कैसे प्रभु को ध्यान है? कुछ लोग बोलेंगे पास्टर क्या हमारा कपड़ा ही देखते रहते क्या, ये कैसी साड़ी पहनी,
ये सिस्टर कैसे ब्लाउज पहनी, यही पास्ट देखते रहते, क्या पास्ट को दूसरा दिखता है नहीं क्या? आपके विचार में आया होगा, बाइबल बताती है परमेश्वर गौर से देखता है। लुका 21वां अध्याय में पहले वचन को, पहले दो वचन को पढ़ के देखेंगे, वह एक विधवा थी, विधवा मतलब सब लोग, बहुत सारे लोग थे, सब दान डालने के लिए, दान डालने के लिए, दान पेटी में भेंट देने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु भी वह बैठा है, सब लोग दान डालते हैं, प्रभु देखते रहता है, देखते रहता है। कोई कोई बड़ा बड़ा चेक डाला है, कोई कोई सोना डाला, जैसे उनको आमे आशीष है वैसे उन लोग ने डाले। परंतु वहां एक विधवा थी, उसके पास सिर्फ दो दिनार था, एक एक टाइम की खाना ही मानी, एक वड़ा पाव खाने का पैसा, वो जो उसको संपत्ति ही उतना ही है, उसकी जिंदगी उतना ही है, अगला टाइम के खाना नहीं है। वो एक विधवा है, वो ढाल दी, प्रवेश में देखते रहा, फैसला सबसे ज्यादा दान यही डाली है, क्योंकि इसके पास इतना ही है, इसका संपत्ति इतना ही है, पूरा संपत्ति को डाल दी, पूरा जीवन की सारे जो भविष्य है उसको ही डाल दी। तो मतलब परमेश्वर देखता है हमारा हर बातों पर, परमेश्वर की नजर रहता है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के मंदिर में आते समय तुम ज्यादा बोलने के लिए नहीं आना, सुनने के लिए आ जाओ, सुनने के लिए आ जाओ, सुनो। यीशु ने कहा जिसके कान हो सुन ले, जो आत्मा मंडली को कहता है। चर्च यही है कि वो परमेश्वर की आत्मा बात करता है हमसे, आराधना में पवित्र आत्मा उत्तर आ जाता है, लोगों पर परमेश्वर की आत्मा की स्पर्श हो जाता है। जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वह परमेश्वर की कुर्सी आ जाते हैं, जहां दो या तीन इकट्ठे हो गए वह यीशु आ जाता है। आराधना सादी बात नहीं है, आज कई सारे लोग आराधना में आता ही नहीं है, फैसला उनकी पैसा पैसा की लालच, अरे बाप रे काम पे नहीं जाते तो पैसा नहीं मिलेगा। आराधना छोड़कर तुम जो भी करेगा परमेश्वर उसमें आशीर्वाद नहीं देगा। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु की आराधना छोड़कर, परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर की जो हमें दीन आराधना का दीन छोड़कर तुम कुछ भी करो उसमें परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर का आशीष नहीं है उसमें, फिर हम कितने भी मेहनत करें उससे हमें कोई लाभ नहीं, डबल उड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए ऐसा 58 अध्याय में आप पढ़ के देखेंगे, 13 और 14 वचन का इसे पढ़ के देखिए, पढ़े 13 और 14 वचन ईसाया 58 में 13 और 14। माझा पवित्र दिवशी आपला उद्योग धंदा करणारच नाही। शपथ आनंद का दिन आहे, परमेश्वर की पवित्र और सन्मान का दिन आहे। ये देखिए परमेश्वर का आराधना करने का भी तुम्हारे लिए पवित्र दिन बनते रहना। उस दिन में अपनी कामकाज नहीं करेंगे, उसी दिन अपनी घर की कोई भी वैभव, कोई भी त्योहार, घर में कोई भी बर्थडे, कोई भी नई दिन रखेंगे, उस दिन तुम्हारे लिए पवित्र बन रहने दो, केवल परमेश्वर के लिए उस दिन रहने दो। तभी मैं परमेश्वर कहता है मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। इसे कई सारे लोग को प्रेस लॉर्ड कि अपनी आर्थिक की कमाई पर उनकी विश्वास है, प्रभु पर विश्वास नहीं है।
मैं कमाता हूँ, मैं तभी मुझको वो होगा, उसको ये होगा, तुमको ये मालूम नहीं, वो किसी ना किसी रूप में उड़ जाते, आपको मालूम नहीं। लेकिन जब तुम परमेश्वर को आदर करेगा, परमेश्वर तुम्हें आदर करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए संडे का दिन हमने नियुक्त किया है, वो हमारे लिए शपात का दिन है, वो हमारे लिए पवित्र दिन बन के रहने दो। सब दिन तो पवित्र दिन है, लेकिन आराधना करने के लिए संडे को हमने नियुक्त किया है, उस दिन हम परमेश्वर के लिए देंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे खिलाऊंगा, ये शब्द लिखा है। परमेश्वर हमें खिलाएगा, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर को मालूम है मेरा बेटा आज काम छोड़कर आया है आराधना करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। पुराने नियम में एक नियम था, जब इसराइल लोग मिस्र देश से बाहर आते थे, रोज परमेश्वर उनको खाने के लिए मन्ना देता था। मन्ना, ये मन्ना धनिया के जैसे छोटा सफेद था, उसको कूट कर लोग कुछ भी बना के खाते थे, चपाती बनाते थे, कोई कुछ बना के खाते थे। उसका टेस्ट जो है प्रेसलॉट मत डाला हुआ फोली की चीज से रहेगा। हमने पूरन बोली बनाया, कितने लोग पूरन बोली बनाते हैं? पूरन बोली में क्या डालते हैं? गुड़ डालते हैं। प्रेसलॉट मत लगा कर कभी खा के देखा? प्रेसलॉट डाल के देखो, बहुत टेस्ट रहेगा। वो मन्ना का टेस्ट वैसे था। परमेश्वर ने अब यहोवा परमेश्वर लोगों का आदर उनका हक क्या दिया, हाय तुम 6 दिन सुबह सुबह जाकर इसको बटोर सकते हो, 6 दिन अपने काम कर। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया। वैसे दुनिया में भी अभी नियम है, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिलता है। 6 दिन तुम काम करो, 6 दिन तो मन्ना का बंटवारा करो, बटोरो। लेकिन 7वां दिन तुम अपने घर से बाहर जाने का नहीं, उसको बटोरने के लिए। क्या हुआ मालूम है? कई परमेश्वर 6वां दिन में और अगला दिन का खाना भी परमेश्वर मिलकर देता था। हालेलुया बोलेंगे। ये है हमारा प्रभु। जो भी प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं उनकी परिश्रम व्यर्थ होने नहीं देता है परमेश्वर। आपके विश्वास के ऊपर है, आपके दिल के विश्वास के ऊपर है। अगर आप सोचते हैं अरे बाप रे आज से छुट्टी लेंगे तो मुझको 500 रुपये चले जाएगा, ऐसे तुम्हारा विश्वास जैसे वैसे। अगर आप विश्वास करते नहीं, भले 500 रुपये जाने तो कोई बात नहीं, मुझे मेरा यीशु बरकत देगा, मैं प्रभु की आराधना करके दूंगा, तुम्हारा विश्वास वैसे ही वैसे तुम्हें परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया बोलेंगे। तुम्हारा विश्वास के ऊपर है आराधना। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक अति मुख्य पहली बात होना है, इंपॉर्टेंट बात होना है। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग पवित्रता से आराधना कर। परमेश्वर की आराधना का दिन हमारे लिए पवित्र दिन बने रहे। उस दिन में प्रेज लॉर्ड ये दुनिया के काम काज को नहीं रखेंगे। कोई लोग क्या करते हैं, आज संडे ना हमारे घर में मेहमान लोग आते हैं इसलिए सुबह सुबह उठेंगे प्रार्थना नहीं करेंगे, वो चिकन काटेंगे, चिकन की हम दुकान में जाएंगे, चिकन ला के उसको काट के उसका मसाला विसाला डाल के इसे फ्रिज में रखेंगे। प्रेज लॉर्ड। फिर थोड़ा सब कुछ बना के रखेंगे। प्रेज लॉर्ड। 10 बजे आराधना होता, 11 बजे आएंगे। क्यों लेट है? आज मेहमान लोग आते ना पास्टर, इसलिए थोड़ा तैयारी पड़ने है इसे। फिर इधर प्रार्थना में अधूरा में रहेगा प्रार्थना। प्रेज लॉर्ड। गीत गाएंगे, देख देख अच्छा आया होगा क्या, रिक्शा मिला होगा क्या, उनको ट्रेन चालू होगा क्या, पूरा विचार उधर रहेगा इसे। जैसे आराधना खत्म होते आमेन बोलने के पहले घर में जाके बैठे रहेंगे। इनकी आराधना में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ उपस्थित, तुम्हारा शरीर या उपस्थिति था, तुम्हारा मन पूरा मेहमान लोग आएंगे, पहुने लोग के नारे हालेलुया। इसमें तुम्हारे वेस्ट हो गया तुम्हारा दिन नहीं। भाई मैंने कहा उसी दिन पवित्र दिन बने रहे हैं, उसी दिन तुम अपनी काम काज कुछ करेगा नहीं है, उसी दिन संसारिक कोई बात तुम्हारे जीवन में होगा नहीं। लोग संडे शादी रखता है,
संडे ही उनका घर, क्योंकि संडे छुट्टी है ना, शादी में मान लो आएंगे नहीं, कभी नहीं रखेंगे परमेश्वर की लोग। हालेलुया, आराधना होने के बाद होने दो, भले कुछ भी हो, आराधना होने के बाद होने दो, पहला परमेश्वर को उस दिन रखेंगे तो वो भी रुकावट है आपको, आया नहीं आई उधर, क्यों नहीं आया पास्टर, आज हमारा घर में ना हम फैसला शादी का दिन है ना फैसला, इसलिए वो सब तैयार करना पड़ती, इसलिए आ नहीं पाए, तो दूसरा दिन रखे तो अच्छा नहीं होगा, उसी दिन करने का क्या, तो पहला दिन रखो, शनिवार का दिन रखो, तुम्हारे विश्वास के ऊपर है, परमेश्वर देखता है हमें हर बात में, परमेश्वर नजर रखता है मेरा कितना, मेरे बच्चे कितना आदर करता है मुझे। कुछ लोग परमेश्वर का आदर करने से ज्यादा इंसान को आदर करेंगे, फैसला ये तो हम हमेशा करते ही ना, अगला संडे जाएंगे क्या होता है, ये संडे लड़की आती है घर में, लड़की के घर वाले आते हैं घर में, लड़की देखने के लिए आते हैं, कोई पौने लोग आते हैं, परमेश्वर देखते रहता है, हालेलुया, परमेश्वर देखते रहता है, उससे ज्यादा तुझको हमें उनके ऊपर ध्यान है, उससे ज्यादा तुमको तुम्हारे रिश्तेदार पर ध्यान है, फिर तुम्हारा आशीषों में कुछ गिर जाता है, वो मालूम नहीं पड़ते कहाँ गिर जाते करके, तुमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन नुकसान है, बीमारी तकलीफों है, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, पहला परमेश्वर को, हालेलुया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक पास्टर था, वो पास्टर का मम्मी मर गई, मम्मी नहीं उसका बीवी मर गई, बीवी मर गई तो कैसे रहेगा, प्रेस लहाट सब कुछ छोड़ के उनके पीछे रह गए, कभी मरी वो संडे सुबह सुबह 5 बजे, संडे सुबह सुबह 5 बजे मर गए। पास्टर को मालूम है आज संडे आराधना का दिन है, पास्टर किसी को नहीं बताया, किसी को फोन नहीं किया, अगर फोन करेंगे लोग सब घर पे आ जाएंगे, चर्च में आएंगे नहीं है, उनको हॉस्पिटल में जाके रख दिया, उनको फ्रिज में रख दिया, आराधना हमेशा जैसे चलते वैसे संडे आराधना हुआ था, और आराधना होने के बाद लास्ट में जब सब कुछ होने के बाद पास्टर ने अनाउंस किया आज सुबह 5 बजे पास्टर का बीवी मर गई है। लोग से मत, पास्टर क्यों आपने बताया नहीं, हम आ जाते थे तुम्हारे घर में, इसलिए मैंने तुमको बताया, तुम चर्च में आना छोड़ के उधर आके हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे, इसकी वजह से किसी को बताया नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रियो पहली जगह परमेश्वर को देंगे कुछ भी हो हमारे जीवन में, इसलिए उसी दिन हमारे घर में कोई भी, हम कोई भी बात नहीं रखेंगे, लड़की देखने के लिए आना दो, शकरपुड़ा होने दो, या बर्थडे होने दो, शादी का दिन होने दो, नहीं रखेंगे उसी दिन, दूसरा दिन रखिए और आशीष मिलेगा, प्रभु देखेगा मेरा बेटी मुझे आदर करती है, मैं इनका और डबल आशीष दूंगा। हालेलुया, ठीक है, परमेश्वर के लोग पवित्रता की सजावट के साथ प्रभु की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करने वाले पहली बात दिमाग में रखिए आपके जीवन कैसे है, आप कुछ भी खा के कुछ भी पी के कुछ भी करके दुनिया में यहाँ आके आराधना नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कई लोग क्या करते, रात भर टीवी में रहेंगे, वो सीरियल ये सीरियल WW और क्या है ये पिक्चर वो पिक्चर देखते रहेंगे, सुबह सुबह आपके इधर बैठ जाएंगे, तुम्हारा आराधना तुम्हारे लाभदायक नहीं है। पवित्रता की सजावट, पवित्रता के सिंगार के साथ प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया, तुम सोचो निकलते समय सोचो मैं पवित्र प्रभु को मिलने के लिए जा रहा हूं, मानो आप एक 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 सफेद कपड़ा पहने एक अच्छा व्यक्ति को मिलने के लिए आ, आपकी कपड़ा गंदा होगा वो सामने आपके उसके सामने खड़ा होने के लिए आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप हर बात में ध्यान रखना है आपकी, हम आपका हर बातों में संडे आराधने का हम इसी बाइबल में लिखा है, तो मंदिर में जाते समय कैसे भी मत जाना, फैसला प्रभु की आराधना करने के लिए आते समय कैसे भी मत जाना, संभाल उन पाँव टेव संभाल कर पैर रखो परमेश्वर के भवन में। बहुत सारे लोग लेट आता है, हालेलुया, लेट आते रहता है, हजार भावना हम बोल सकते हैं लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर चाहते मेरे बच्चे शुरू से लेकर आकर मुझे आराधना करना है, गीत गाना है, आत्मा में भरना है, मैंने दिया हुआ आशीषों को अभिषेक को प्राप्त करना है,
परमेश्वर चाहता है। सर समय हमें बहुत जरूरी है, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, समय के सिवा प्रभु कुछ नहीं करता है। इसलिए आराधना करने वालों को समय बहुत जरूरी है, टाइम पर आ जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, टाइम पर आएंगे, इसे प्रभु का आराधना का अच्छा गीत गाएंगे। मैं एक बार प्रभु के पास पूछा, प्रभु चर्च में ज्यादा लोग आने के लिए क्या करने का, परमेश्वर ने कहा अच्छा आराधना करो, हालेलुया, प्रभु ने कहा अच्छा आराधना करो। इसलिए हमने एक घंटा अच्छा गीत गाते हुए आराधना करते हैं कि लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, सारे दिल की दुख संकट को भूल जाए और केवल परमेश्वर पर यीशु पर अपनी भरोसा रखें। इसलिए हम एक घंटा आराधना करते, लोग कहते सोचते एक घंटा गीत ही गाते रहेंगे, लेकिन उसमें कितना सामर्थ्य तुमको क्या मालूम। हालेलुया, ठीक है, प्रभु आशीर्वाद करेंगे। पहली परमेश्वर का आराधना करने वाले कैसे रहना है, पवित्रता से अपने आप को सजाने जाना है। दूसरी बात, परमेश्वर का आराधना करने वाले कैसे रहना है, दूसरी तीमोथियुस दूसरी अध्याय 22 वचन, सेकंड तीमोथियुस सेकंड चैप्टर 22 वर्स। नया नेम मेरेगा, तरुणपणाची वासना पासून दूर पळ आणि शुद्ध मनाने प्रभूचा दावा करणारा बरोबर नीतिमत्व विश्वास प्रीती यांच्या पाठीसला। हिंदी में पढ़ो, जीवन की अभिलाषाओं के बाद हाँ, और जो शुद्ध मन के प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु की आराधना करते हैं, उनके साथ घर हाँ, और विश्वास हाँ, और प्रेम हाँ, और मेल मिलाप का हाँ, इच्छा कर, ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर की आराधना करने वाले कैसे रहना है, तरुणपनाची वासना, हिंदी में लिखा है प्रेस, हालेलुया, जवानी की अभिलाष मन से परमेश्वर की आराधना करने वाले उनके साथ तू उठना बैठना, हालेलुया, प्रेस ला। सबके अंदर वासना रहता है, सबको परमेश्वर ने दिया है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए समय ही है। आज लोगों के अंदर वासना, उनकी आंखों में वासना, उनके चेहरा में वासना, बाल में वासना, उनके शरीर में वासना। बाइबल में लिखा है आंखों की लालच, शरीर की लालच, जीवन की घमंड परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं तो किसके तरफ से फिर, हाँ बोलो ना, फैसला। अंतिम दिनों में इसी प्रकार की वासना की आत्मा लोगों के जीवन में बहुत कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रेस लॉर्ड, ये नोवा के जमाने के जैसे हो जाएगा, आखिरी दिन जो है नोवा की जमाने, लूत की जमाने के जैसे। लूत की जमाने के लोग वैसे लोग थे, वासना से भरे हुए लोग थे। नोवा की जमाने के लोग वासना से भरे हुए लोग थे, उनका नाप, उनका औरत भी मालूम नहीं रहेगा, हाथ भी मालूम नहीं रहेगा, जो भी जो भी उनको दिखाई देते उनके साथ उन लोग गलत व्यवहार करते थे। लूत की जमाना नोवा की जमाना। यीशु ने कहा यीशु के आने का समय इसी प्रकार हो जाएगा, लोग इसी प्रकार वासना से भरे लेंगे। इसलिए आज बहुत रेप होता है, सिर्फ औरतों को पर अत्याचार नहीं है, आत्मियों को पर अत्याचार होता है, लड़के लोगों पर भी, लड़की लोगों पर भी अत्याचार होता है। प्रेस लॉर्ड, कैसे बदल गया देखो, इसे कितनी सारी स्कूल है लड़के लोगों पर रेप करता है, सैर लोग, सैर जो सिखाने वाले छोटे बच्चे को लेकर जाके उसके साथ रेप करता है, लड़कियों को पर हाथ डालते, इसे उम्र भी फर्क नहीं, इसे 50 उम्र 60 उम्र औरत को भी पकड़ के रेप कर देते हैं। क्यों ये सब है, वासना से भर गया इंसान की दिल, क्यों ये सब, कारण क्या है, सिनेमा पिक्चर सीरियल, आज आने वाला डिसेंट कपड़ा,
ये देखने वाले को क्या करते हैं, वासना को उबार देता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर की वचन पहले मैं आपको कह चुका, आपकी कपड़ा ऐसे रहना है, पवित्र रहना है। जो आपके देखते हैं आपके आपको बुरी नजर से नहीं देखना है, आपको इसी प्रकार देखना, एक पवित्र व्यक्ति है वैसे देखना है। इसलिए आपकी कपड़ा संसार के लोगों को जैसे कपड़ा मत पहनो, अपने शरीर के अंगों को बाहर दिखाने के लिए कपड़ा मत पहनो। बच्चों को अच्छा व्यवहार सीखो, अपने घर में जो भी लड़का हो लड़की हो उनका अच्छा व्यवहार सीखो। कपड़ा हम पवित्र लोग, बाबा पवित्र लोग पवित्र कपड़ा ही पहना है, ऐसे हम सिखाएंगे। प्रेस लहा नहीं तो फिर देखो खतरा तुम्हारे लिए। बाइबल लिखा है वासना से भागने के लिए, बाइबल हमें सिखाता है। आज वासना को उभारने का, वासना को ऊपर मतलब उनको तेज बनाने का बहुत सारे शक्तियां दुनिया में कार्य करता है। फैसला डाले लोया। परसों मैंने पढ़ा था न्यूज में, एक 70 साल की एक माजी एमएलए था, पहला एमएलए था, उनको कॉलेज है खुद का। वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जो लड़की आई है 16 साल की लड़की, उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया 70 साल उम्र के। आज उम्र का कोई ये नहीं है, लोग परवाह नहीं करता है, दुनिया ऐसे बदल गई आखिरी दिन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन परमेश्वर के लोगों के लिए ये सिखाता है, तुम पवित्र लोगों के साथ मिलकर आराधना करने का। हालेलुया बोलेंगे, पवित्र लोगों के साथ का मतलब है क्या है, नॉर्मल लोग ऐसे बैठ जाते हैं फैसला क्या बात करते हैं तो उसके बारे में, अगर औरत लोग तो दूसरा आदमी के बारे में, आदमी लोग तो दूसरा औरत के बारे में, लड़के लोग तो लड़कियों के बारे में और लड़के लोग लड़के लोग के बारे में। हालेलुया। क्योंकि आज ऐसे मौन है प्रियो, दुश्मन जो शत्रु जो है परमेश्वर के लोगों को खराब करने के लिए उनके पीछे रहता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। पहली पत्रस 5:8 में लिखा है, तुम्हारा शत्रु किसी को काए किसी को फाड़े वैसे वो क्या करता है, गर्जन करने वाला सिया के माफी ऐसे ढूंढते रहता है कैसे पवित्र लोगों को पकड़ ले। ने कहा सबने क्या है, एकदम सोशलिज्म आ गई, सोशलिज्म आजादी का दुनिया में है, फ्रीडम फ्री, लेकिन आपकी शरीर आपको खतरा में गिरा देगा, याद रखिए। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए हमारा दोस्त लोग पवित्र रहने, हमारा दोस्त लोग प्रभु की आराधना करने वाला रहने दो, हमारे घर में आने वाले प्रभु की आराधना करने वाले लोग रहने दो, हमारा रिश्तेदार हमारा आराधना करने वाला होने दे। अगर हमारे रिश्तेदार हमें नाम रखते इन लोग हमारे साथ शामिल नहीं होते कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ से रहता है। भले कोई हमारे घर में आए नहीं आए, यीशु के लोग तो आएंगे, यीशु हमारे घर में और क्या चाहिए। आखिरी दिनों में इसी प्रकार की आत्मा कार्य करेगा, वासना को गंदी अभिलाषा को उभारेगा और पाप में गिरा देगा। प्रवेश में क्या कहा, हालेलुया, अगर एक स्त्री को बुरी नजर से देख लिया उसके साथ तो गलत कर दे। आज कितने पाप हो रहा है, टीवी फ्रेसलॉट मोबाइल और जो जो है सब कुछ, याद रखे प्रियो परमेश्वर के लोगों को ये अच्छा नहीं। हालेलुया बोलेंगे। आपकी मोबाइल उद्धार पाया बरने दो, मोबाइल गीत सुनो और मोबाइल में यीशु के बारे में कुछ आए तो देखो, अगर आपके मोबाइल में गंदी बातों को अगर आप देखते हो याद रखिए नरक के लिए द्वार खोल दिया। सबके पास मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल देना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे को अभी पढ़ाई उसके द्वारा चलता है, मोबाइल का दुनिया आ गया है।
लेकिन हम हमारा बच्चों को सिखाएंगे। ये मोबाइल इसलिए दिया कि तेरा पढ़ाई के लिए और प्रभु की बातों को सुनने के लिए, इसके अलावा कुछ भी उसमें देखना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितने सारे बुराई आज आ गए, ये सब लोगों का खराब कर देते हैं। हालेलुया बोलेंगे, पवित्र लोगों को गिराने के लिए। दिखने में अच्छे रहेंगे और अच्छे बैठे रहेंगे, लेकिन दिल के अंदर गिरा हुआ है। इसलिए भाई मैं जवानी पना की वासना से, तरुण पना चा वासना पासन फल भाग जाओ, खड़ा नहीं होने का। कोई वासना की बात, गंदी बात करते हैं, उनके साथ बैठो मत, उठो मत। कोई भी हो, पवित्र रहेंगे। हालेलुया। इसलिए भाई मेरे को शुद्ध बनने से परमेश्वर की आराधना करने वाले के साथ बैठ जाए। आपके साथ आराधना में जिसको लेकर आते हैं, वो आपके साथ अच्छे बात को बात करके आना है। रिक्शा में बैठ कर आते हैं, वो आपके साथ प्रभु की स्तुति करने के बारे में, प्रभु ने क्या हुआ अब भला है तो याद करते हुए आना है। वो गंदी बात, वो लड़का के बारे में, ये लड़की के बारे में, वो पिक्चर के बारे में, ये सीरियल के बारे में याद रखना, परमेश्वर तुम्हें न्याय करे। हालेलुया। जवान लोग बहुत सावधानी रहना, ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया, बहुत सावधानी रहना है जवान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रवेश की महिमा। आपके बच्चों को सिखाई, बच्चों का अच्छा व्यवहार सिखाई, अच्छा कपड़ा पहनाई। बच्चों को खराब करने वाला उसकी मम्मी है, बार बार मैं यही बोलता हूँ। लड़की को खराब करने वाला कौन है? माई है, क्योंकि माँ की पहले ऐसे वो उनकी जवानीपन, ऐसे कपड़ा पहनकर, ऐसे सजा के, ऐसे नेल पॉलिश लगाकर, लिपस्टिक लगाकर उसकी जवानी ऐसे चले गया, इसलिए अपने बच्चों को भी वही सिखाती है। लेकिन पहले बाबा हम दूसरी दुनिया में थे, पापी दुनिया में, अभी हम पवित्र दुनिया में। हम क्यों हमारा बच्चों को वापस पाप में गिराने का है? हम क्यों हमारा बच्चों को गंदी बात को सिखाने का है? फैसला डाले लिया बोले के प्रवेश की महिमा। परमेश्वर का योग्य कपड़ा, परमेश्वर की योग्य चाल चलन, प्रभु यीशु का योग्य विचार, हमारे दोस्त भी प्रभु यीशु का योग्य लोग बनते रहे हैं, प्रवेश में आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ठीक है, साफ साफ बाइबल में लिखा है, मत्ती 5:8 में लिखा है, फैसला जो मन में शुद्ध है वो धन्य है, परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु को देखना है, प्रभु को राज्य में जाना है, आपके मन शुद्ध रहना, आपकी कपड़ा शुद्ध रहना, आपके हर बात में शुद्ध रहना, प्रवेश हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। अच्छा, पर वो तेरे सारे सुरक्षा के साथ तेरे हृदय को संभाल, ऊपर नीचे रहेगा। देखो कौन सा वचन, तेईस पढ़ो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सब बोला, सब मेरे पीछे वचन को बोला, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल जीवन का मूल उससे निकलता। हालेलुया बोले, सबसे अधिक। सब बोला, सबसे अधिक। सबसे अधिक क्या करने का है बोलो ना, क्या करने का है? मन का रक्षा करने का। हम लोग करते क्या नहीं है, दूसरा रक्षा करते हैं, दरवाजा अच्छा बंद करते हैं, बैग में लॉक को अच्छा बंद करते हैं, गाड़ी को अच्छा चाबी दे देते हैं, सब बंद करते, लेकिन अपना मन को बंद नहीं करते हैं, मन को गुबाना देते हैं। इधर बैठे रहेंगे, मन पूरा अमेरिका घूम के आएगा स्वाय करके, इधर आराधना करते रहेंगे, आंखों बंद रहेगा, किधर मन पूरा किधर जाते रहेगा मालूम नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मन को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये मन है हमें पाप में गिराता है। यीशु ने कहा, जो भी तुम कहते हो सब ऊपर जाता है, नीचे चले जाता है, वो स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक होगा क्या? स्टॉक हो गए तो क्या होगा? फट जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा, बड़ा स्पोर्ट, उल्लास नगरी उड़ जाएगा।
फैसला ऊपर जाता है नीचे चले जाता है, लेकिन मन के अंदर से जो बाहर निकलता है वो इंसान के जीवन को खराब कर देता है। इसलिए प्रिय मन को रक्षा करो, अति मन को शुद्ध बन रखो। पास्टर मुझसे नहीं होता है ना पास्टर, बहुत लड़कियां मेरे पास यही बोलती थी फोन करके, पास्टर मन की रक्षा कैसे होगा। तभी मुझे मालूम पड़ा कि लड़कियों का मन इतना बेकार रहते क्या। मैंने सोचा लड़का ही ऐसे करते हैं, कि मैं भी लड़का था ना, लड़कियों का मन इससे रहते क्या। प्रेज लॉर्ड, सब इंसान जो शरीर में सब लड़का हो लड़की हो आदमी हो औरत हो सब को इसी प्रकार की लड़ाई मन के अंदर आता है, क्योंकि मन को हमने खोल देते हैं। जो भी मन चाहता था वही कपड़ा पहन लिए, जो भी मन चाहता था वही जगह में जाके बैठे, जो भी मन चाहता था वही खाने के लिए पीने के लिए हमने दिए थे। मनमानी होती उसको मनमानी, हमारा मन को छोड़ दिए। अभी मन हमारा कंट्रोल में आता ही नहीं, हम कोशिश करते मेरा मन कंट्रोल में आ जाए। प्रेस हड़ाले बहुत सारे प्रार्थना में बैठेंगे लेकिन प्रार्थना में एक चित नहीं रहेगा, वो इधर घूमते आएगा स्वयं करके। सबको ऐसा अनुभव आया होगा, आया होगा क्या, सबको आया होगा। हालेलुया, प्रेस अल्लाह। आंख बंद रहेगा लेकिन दुनिया किधर किधर घूमता है मालूम, क्योंकि परमेश्वर हमें साथ देते। हालेलुया बोलेंगे। हम यीशु को जानने के पहले हमारा मन को गंदे बातों में हमने दे दिए, लेकिन यीशु चाहते हमारा मन पवित्र बने रहे। इसलिए बाइबल में पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया बोलेंगे। पढ़ेंगे पहली पत्रस पहली अध्याय दूसरी वचन पढ़ेंगे, पहली पत्रस पहली अध्याय दूसरी वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्यवाणी के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, ठीक है, यानी क्या पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। हालेलुया बोलेंगे। पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है कि बार 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 हमें पवित्र करते रहेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए आप पवित्र आत्मा की सहारा लेने का है। पवित्र आत्मा मेरे मन को पवित्र करो, मैं इसी प्रार्थना करता हर समय, पवित्र आत्मा मेरे मन को पवित्र करो, मेरे मन के अंदर इसी प्रकार विचार आने करने, मुझे पवित्र करो मुझे शुद्ध कर दो, तो पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर देता है धीरे 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 धीरे। परमेश्वर की आत्मा मुझे हमें बिल्कुल शुद्ध कर देते। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए प्रियो हर समय पवित्र आत्मा के सहारे लो। आपके मन के अंदर बुरे विचार आते क्या, मन आप घूमता है क्या, उसको देखो इसको देखो वो पिक्चर देखो ये पिक्चर देखो, अब यूट्यूब में आ गया, व्हाट्सएप में ये आ गया, वो देखने के लिए आपको मन जाते क्या। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मेरा मन को रोक दे, मेरे मन को अच्छी बात सिखा। सच में 100% पवित्र आत्मा आपको साथ देगा। हालेलुया। मैं मेरे जीवन में इसी प्रकार मैंने करता हूं, बहुत लाभदायक होता है। पवित्र आत्मा आपको सहाय करता है, आपके मन को घूमने नहीं दे। हालेलुया। आपके मन को उधर इधर फिरने के लिए देकर सारे गंदी बातों को अंदर रखकर इधर आके आपने ताली बजाकर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं। मन को शुद्ध रखने के लिए आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, शुद्ध मन के साथ परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको कहा आपकी सजावट पवित्रता से होना है, दूसरी बात आपकी हृदय शुद्धता से भरे रहना है, वासना का हृदय नहीं रहना है, वासना की दिल नहीं रहना है। हालेलुया बोलेंगे। जब आपके जीवन में वासना आ जाता है आप उधर सब बेकार हो जाते हैं, वासना आने के बाद हमें बहुत बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमारा दिल को हमने शुद्ध रखेंगे पवित्र आत्मा के साथ, हमारा दिल को हमें शुद्ध करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद। तीसरी बात, परमेश्वर की आराधना करने वाले कैसे आराधना करना है, एक वचन को हमने पढ़ेंगे। प्रेस लॉर्ड, पहली इतिहास 16:29, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:29, पहली इतिहास 16:29 को पढ़ जल्दी जल्दी। महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हो, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, भेंट लेकर उनके सम्मुख में आ जाओ, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया बोलेंगे।
अभी तीसरी बात, परमेश्वर को आराधना करने वाले भेंट लेकर आना है। किसे आना है? भेंट लेकर आना। जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं, खाली हाथ से आने का नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर लोगों को सिखाया, आबेल और कैन को परमेश्वर सिखाया, मेरी आराधना कर। सिर्फ आराधना आके ताली बजाकर धन्यवाद 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 नहीं है। आबेल को बोला, आबेल मैंने तुझको आशीर्वाद दिया ना, आबेल क्या काम करता था? भेड़ बकरी चराता। मैंने तुझे भेड़ बकरी चराने के लिए सिखाया ना, भेड़ बकरी को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाकर उसको आदिनता में दिया, भेड़ बकरी को चराओ, भेड़ बकरी तुझे खिलाएगा, तुझे पिलाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगा। कैन ने क्या काम किया था? शेती किसका था? बीज किसका था? पेड़ किसका था? फल किसका था? सब परमेश्वर का था। हालेलुया। कैन को परमेश्वर ने शेती दिया, कर रहे बाबा, पेड़ दिया, बना रहे बाबा, बीज दिया, उगाओ खाओ। हमें भी परमेश्वर ने सारे बातों को देता है, हमें नौकरी प्रभु देता है, बोलेंगे कपड़ा प्रभु देता है, खाना परमेश्वर देता है, परिवार परमेश्वर देता है, सुख सुविधा यीशु में देता है। हालेलुया बोलेंगे। यीशु के सिवा जो भी आता है हमें नहीं चाहिए बोल देंगे। परमेश्वर की तरफ से जो नहीं है नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रवेशित नहीं, जो भी है परमेश्वर की तरफ से आ रहा। एक बार यीशु मसीह के पास शैतान आया, यीशु प्रभु मुझे प्रणाम करो, मेरी आराधना करो, मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा, पूरा दुनिया मुझको दिया गया सब दे दूंगा। आजकल दुनिया इसके पीछे, शैतान के पीछे, पैसा के पीछे। हालेलुया। शैतान क्या करते हैं? लोगों को पैसा देकर कब्जा में रख देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा वाले शैतान के पीछे रहने वाले, सबसे ज्यादा धनवान शैतान की आराधना करने वाले। शैतान की आराधना करने वाले को देखो, अच्छा गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, फ्रेसलर अच्छे सुख सुविधा रहेगा। अब प्रभु की आराधना करने वाले पैदल आते। हालेलुया। अब सोचेंगे, हे प्रभु वो पापी इंसान ऐसे रहता है, अब पवित्र लोग ऐसे क्यों प्रभु, हमारे पे साइकिल भी नहीं क्यों, सोचे होंगे ना। हालेलुया। सबके अंदर ये विचार आता है। फैसला शैतान उनके लोगों को ये दुनिया की बातों को दिखाकर फंसा देता है, आखिरी में नरक में ले जाता है। Praise Lord। अभी अंबानी है, इतना सारा पैसा वाला है, उसके पास आके अब बोलेंगे आप आ जाओ रे बाबा हमारे साथ बैठो, बैठेगा क्या? नहीं। Praise Lord। उसका देव क्या है? पैसा। इसलिए प्रवेश ने पहले बता दिया, इंसान परमेश्वर और देव, परमेश्वर और पैसा दोनों को सेवा नहीं कर पाएगा। अलग बोलेंगे। विश्वासी में भी दो लोग रहता है, कुछ लोग पैसा का सेवा करने वाले ये चर्च में आएंगे नहीं, पैसा का आराधना करने वाले, पैसा को पूजा करने वाले, इनकी देव पैसा, फैसला इनकी पेट, इनकी देवता पेट, पहले इनकी पेट पूजा होगा, बाद में जरूरत पड़ेगी तो परमेश्वर। यीशु ने कहा, तुम पैसा धन और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर प्रभु की हमने सेवा करना है, थोड़ा परेशान होता है संसार में, अलग बोलेंगे, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन प्रभु हमें खाली पेट में बुला में सुलाएगा नहीं, नंगा घुमाएगा नहीं परमेश्वर हमें। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमें सारी सुविधा प्रभु देता है। इसलिए प्रियो, आपके पास जो पैसा आते हैं ना, कहां से आते सोचो, प्रभु देता है क्या? नहीं तो दूसरा और कोई देता है क्या? और मतलब सही था।
अब थोड़ा झूठ बोल के देखो बहुत पैसा आ जाएगा। हालेलुया, समझ में आते क्या मेरे बात? बोले कोई हालेलुया बोलता है ना? अब थोड़ा आपकी धंधा में थोड़ा झूठ बोल के देखो ना, 100 रुपये को बेचने वाला चीज को अब बोलो 500, बाबा मुझको खरीदी 300 बोल के देखो, तुरंत बिक जाएगा। लेकिन 100 रुपये जो बेचने वाला चीज को आप थोड़ा कमाई रखेंगे, मानो 50 रुपये रखेंगे, 50 रुपये मेरे लिए फायदा बस, उसको लेने के लिए लोग आएंगे नहीं है। क्यों? सोचेंगे ये बाबा लो क्वालिटी लगता है, ये कम भाव में बेचता है, इससे बेकार क्वालिटी वो 500 में बेचेगा। ये है दुनिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ तो रहता है, क्योंकि सच्चाई में रहना है ना, हम सच बोलना है। सच को दुनिया मानता है नहीं है, क्योंकि दुनिया पापी दुनिया, झूठी दुनिया, बेकार दुनिया, सैतानिक दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा हमको परेशान होता है, प्रभु देखते इसमें भी ये सच्चाई रहता है क्या, इनको स्वर्ग ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परीक्षा के बीच में होते भी, काटा का बीच में होते भी, हमने रोज फ्लावर देंगे, गुलाब का फूल देंगे, भले नीचे पूरा काटा 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 काटा, चारों तरफ से काटा काटा, लेकिन हमारा जिंदगी गुलाब के चीज से। हालेलुया, ये है प्रभु के लोग है, प्रभु की महिमा। जो परमेश्वर कैन और आबिल को सिखाया, मेरी आराधना करना है, आते समय कालिया से आने करना है, तुझे मैंने क्षति दिया, बीच दिया, पेड़ को उगाया, फल दिया, फ्रेसलाट मेरी आराधना कर। ए आबिल, मैंने तुझको हमें गाय बैल दिया, भेड़ बकरी दिया, और खाने के लिए घास भी नहीं बनाया, सब होने दो, मेरी भी आराधना कर। उसके लिए दान लेकर आके आराधना कर। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर चाहता है प्रियो, परमेश्वर चाहता है। आराधना में ये एक भाग है, भेंट चढ़ाना, दशमांश के द्वारा, दान के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना, ये एक भाग है। सिर्फ नाम लेकर ऐसी 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 फैसला, कुछ लोग अच्छा आराधना करेंगे, देने के समय उनके मन कंजूस हो जाएगा, देने के लिए उनका मन लगेगा नहीं है, देने के समय सैतान को पकड़ करके दे मत, दे मत, देगा तो आशीष हो जाएगा। फैसला डाले लोया, परमेश्वर की महिमा। देना ही प्रभु के लिए, परमेश्वर के लोग अच्छा देता है, क्योंकि उनको मालूम है क्षेत्र मुझे प्रभु ने दिया, गाय बैल मुझे प्रभु ने दिया, सब कुछ परमेश्वर का है, मैं उसके एंजॉय करता, अभी थोड़ा उनको देने से क्या कम हो जाएगा। भेंट लेकर परमेश्वर के सम्मुख में आना है, कालिया से आने का नहीं करके बैल निकाय पड़ेगी। हमने गिनती का किता ने व्यवस्था विवरण 16:16 को पढ़ी, Deuteronomy 16 chapter 16 verse. वर्ष में 3 बार अर्थात अक्की माली रोटी के पूर्व और अठवारों के पूर्व और झोपड़ियों के पूर्व, इन 3 पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो झुके हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। कौन सा हाथ से? मराठी में क्या लिखा है? रिक्त हाथ। मतलब क्या है? खाली हाथ। इंग्लिश में लिखा है एम्प्टी हैंड। लास्ट लाइन में लिखा है, देख लास्ट लाइन में। और एक बार पढ़ो, सिर्फ लास्ट लाइन हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में पढ़ो। रिक्त हाथों से आपके साथ नहीं आए। हिंदी में छुच्छे हाथों के साथ नहीं आए। एम्प्टी हैंड, डोंट कम विद एम्प्टी हैंड। अरे बोलेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में आने वाले खाली हाथ से आने का नहीं,
परमेश्वर ने लोगों को क्या दिया, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, मैं दिया हुआ आशीर्वाद के अनुसार तुम धन्यवाद की बलि लेकर आएंगे परमेश्वर के पास। शारीरिक रूप में हमने परमेश्वर को दान देना है, हालेलुया बोलेंगे, दशमांश देना है। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते, प्रभु महीना वर्क तूने मुझे संभाला, बीमारी ना पड़ने दिया, हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाया, अच्छा मुझे काम करने की शक्ति दिया, काम भी दिया प्रभु, बुद्धि भी दिया, शरीर में ताकत भी दिया, धन्यवाद। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं हमने दशमांश के द्वारा दान लेकर। ये है अच्छे परमेश्वर की भक्त लोग, परमेश्वर से भक्ति करता है, खाली हाथ से प्रभु के पास आएंगे नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आत्मिक बलि क्या है पढ़ेंगे 116 भजन संहिता 16 वचन का पढ़, 100 भजन संहिता 17 वचन पढ़। जल्दी इब्रानी किताब 13 अध्याय 15 वचन पढ़ी। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का बल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। ठीक है, आत्मिक बलि क्या है, आत्मिक भेंट क्या है, आत्मिक दान क्या है, धन्यवाद करना है। हालेलुया बोलेंगे, आपके प्रभु को धन्यवाद, प्रभु अपना वर्क संभाला, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करेंगे ये प्रभु के लिए बलि चढ़ाते, बलि तूने क्या वारी है उपकार के लिए, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। शारीरिक रूप में प्रभु ने आपको काम धंधा दिया, घरदार दिया, आशीष दिया, इसके बदले आप दशमांश लेकर आते हो, दान लेकर आते हो, इस शारीरिक रूप में एक बलिदान। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले खाली हाथों से आएंगे नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या वारी एक भलाई के बदले परमेश्वर को हमने हम देव के रूप में बलि चढ़ाएंगे। चौथी बात, परमेश्वर को आराधना करने वाले कैसे आराधना करना है, एक वचन को पढ़ेंगे 116 वचन संहिता 13 वचन को ले, वचन संहिता 16 में 13। ठीक है, मैं उद्धार का कटोरा लेकर, हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाला के बारे में आपको बताता। पहले परमेश्वर की आराधना करने वाला कैसे लेना है, पवित्रता की सजावट होना है। दूसरे हाँ, जवानीपने की अभिलाषा लालच से तरुणपना की वासना से दूर होकर आराधना करना है। तीसरा, बेट लेकर आकर, बलि लेकर आकर प्रभु की आराधना करना है। चौथा क्या करना है, उद्धार पाकर प्रभु की आराधना करना। हालेलुया बोलेंगे, जोश हालेलुया बोलेंगे। आपकी प्रार्थना कभी परमेश्वर को अच्छा लगता है, आपका गीत गाना, आपकी ताली बजाना, आपकी दान दशमा परमेश्वर को कब अच्छा लगता है मालूम है, जब आप उद्धार पाए हो। उद्धार मतलब क्या है, छुड़ाया गया है, नरक से बचाया गया है, आपके ऊपर आने वाला पापों के लिए जो दंड है उससे आपने बचाया गया है। यीशु ने आपको अपनी लहू से धोया है, आप यीशु का संतान बन गए हो, इसका मतलब आप उद्धार पाया। किसको प्रभु उद्धार देता है, जो अपनी पापों को मानता है, प्रभु मैं करता हूं गलत है, मैंने छोड़ देता हूं, मैंने पाप किया प्रभु, मैंने छोड़ देता हूं, वापस मैंने पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो, मुझे पवित्र करो और मुझे बचा ले और तेरा बेटा बेटी के रूप में ग्रहण कर ले। जब आप पाप छोड़ देते हो, यीशु का दिल देते हो, आपकी पाप क्षमा किया गया है, उद्धार की शुरुआत आपके जीवन में हो जाता है। इसलिए मार्क 16:16 में लिखा है, जो उद्धार पाए और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसको उद्धार होगा। सिर्फ विश्वास करने से कोई फायदा नहीं,
आपको बापतिस्मा लेना पड़ेगा, आपको उद्धार पाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की बेटा बेटी बनना पड़ेगा, तभी आपकी आराधना प्रभु के लिए बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। तभी आपकी प्रार्थना, आपकी गीत गाना, आपकी दान देना, आपकी दशमांश देना प्रभु यीशु ग्रहण करेगा। हालेलुया बोलेंगे। उद्धार पाए हुए लोगों की गीत प्रभु को अच्छा लगता है। उद्धार तारण पावले हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, आत्मा से भरे हुए लोग की सारे बातों को प्रभु यीशु आशीर्वाद करता है, उसमें प्रभु यीशु खुशी हो जाते हैं। पांचवी एक बातों को देखेंगे, समाप्त करेंगे। हमें पढ़ेंगे हमने यूहन्ना योहान 4:24 वचन पढ़े। देव आत्मा है, देव आत्मा है, आने तथा उपासना परमेश्वर आत्मा है, उसको आराधना करने वाले आत्मा से आराधना करना बोलेंगे, सच्चाई से आराधना करना, आत्मा और सच्चा। तो विश्वास के जीवन में सच्चाई बनना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। सच आप तो आप, नहीं तो नहीं बोल देने का। बहुत सारे लोग मेरे पास बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं, जब मैं घर में जाता ना विजिटिंग के लिए, पास्टर क्या करो आज आराधना में आने का ना, एक झूठ बोलकर आ गया भाई, नहीं तो छोड़ता ही ना मेरा मम्मी। प्रेज लॉर्ड। किसके साथ बोलते हैं? पास्टर के पास ही बोलते हैं, कुछ मैंने झूठ बोल दिया, पाप कर दिया। सच्चाई के लिए जीना है हमने। हालेलुया बोलेंगे। परिस्थिति कितना भी अभी परिस्थिति कितना भी हमारा विरोध में आने दो, हम सच्चाई के लिए खड़ा होना, प्रभु के लिए खड़ा होना है। हम परमेश्वर का आराधना करने वाले सच्चाई से जीवन बिताना है। हालेलुया बोलेंगे। हाँ तो हाँ बोलने का, नहीं तो नहीं बोल देने का। इस और आत्मा से, आत्मिकता से चलना है। हम शरीर